नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 11। और बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां पर तीन शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां पर तीन शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि क्विक मोबाइल के जवानों ने यह गिरफ्तारी की है, जहां दो देशी कट्टे के साथ चार जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। तो पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां पर तीन शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वहीं पर बताया जा रहा है कि क्विक मोबाइल के जवानों ने यह गिरफ्तारी की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता विक्रांत। विक्रांत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल अविनाश, मैं बता दूं कि यह घटना पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के जहां गश्ती के दौरान तीन अपराधी को गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बता दूं, ये तीनों शातिर अपराधी एटीएम के पास खड़े थे, जब पुलिस को देखा तो ये भागने लगे। उसी क्रम में क्विक के जवानों ने जब इसका पीछा करके हिरासत में लिया, तो उसको उसके पास से तलाशी के दौरान दो देसी कट्टा, एक चाकू सहित जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। जी जी विक्रांत, फिलहाल ऐसी घटनाएं तमाम हो रही हैं, इसको लेकर क्या प्रशासनिक अधिकारियों से आपकी बात हो पाई, क्या कुछ कहना है इसको लेकर, क्योंकि घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं? जी बिल्कुल अविनाश, मैं बता दूं कि जब हमने एसएसपी गरिमा मलिक से बात की, तो उन्होंने कहा कि रात में जो गश्ती रहेगा वो काफी तेज रहेगा, और उसमें हमेशा गश्ती में एक पदाधिकारी के साथ चार सिपाही मौजूद रहेंगे, और लगातार ये गश्ती रहेगी। और जितने भी अभी एटीएम चोरी हुए, लगातार ये घटनाएं घटते जा रही है, उसको लेकर भी पटना पुलिस तत्पर है। जी जी विक्रांत, जिस तरीके से एटीएम की आप बात कर रहे हैं, हमने पिछले दिनों भी देखा कि लगातार एटीएम काटकर उससे पैसे निकालने की घटनाएं होती रही हैं, और जिस तरीके से आप भी बता रहे हैं कि इन जो शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, वो भी एटीएम के पास ही खड़े थे, और हो सकता है कि वो भी इसी तरीके की घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे होंगे, तभी क्विक मोबाइल के जवानों ने एक्शन लेते हुए इनको गिरफ्तार किया है। क्या इस पर आपकी बातचीत हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है, इसको लेकर रोकने के लिए फिलहाल क्या कवायद की जा रही है? जी बिल्कुल, ये जो शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए, उसको भी ये पहलू पे लेकर मतलब जांच किया जा रहा है कि कहीं यही हो, मतलब एटीएम चोर तो नहीं, जो पटना के चार एक ही दिन में लगातार चार एटीएम को तोड़कर लाखों रुपए की मतलब चोरी कर लिए थे। इस हर बिंदु पर मतलब इसे पुलिस प्रशासन इस पर जांच कर रही है। जी जी फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए विक्रांत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता विक्रांत, जो अधिक जानकारी दे रहे थे।